दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. भाई साहब मैं बाबू भाई नारियल वाले के ठेले पे बैठता हूं, इसको नारियल छील के तोड़ के देता हूं जो जूस वालों में जाते हैं, और नर्सिंग होम के जो नर्सेज वगैरह है उनको एनर्जी के हिसाब से रोज नारियल चाहिए होते हैं. वो बेचारे परेशान होकर फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि नारियल दो. यहाँ थाने वाले, क्लॉक टावर वाले, पुलिस प्रशासन जो भी जिम्मेदार अहदे पे है वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. कभी पुलिस पे जाओ तो वो कहते नगर निगम जाओ, नगर निगम जाओ तो कहते पुलिस में जाओ, पुलिस पे जाओ तो कलेक्ट्रेट भेजते. सब किसी ऑफिस में घुसने देते नहीं है. मैं 3 महीने से बेरोजगार हूँ, इस बाबू भाई को नारियल देता हूँ, मेरे खुद के पैसे अटक गए नारियल के. ये कहता नारियल ख़राब हो गए, आगे मेरा व्यापार चल नहीं रहा है. अब बाबू भाई के ग्राहक भी जा रहे हैं, अस्त व्यस्त हो गए. अगर ले इसके पास भी मेरे पैसे रुक गए. जी नगर निगम गए लेकिन कोई घुसने नहीं दे रहा, अंदर की साफ नहीं है. जाते ही बोल देता है कि बाहर गए हुए हैं साहब. तो हम परेशान हैं, अब अप्लीकेशन कहाँ दे हुए. घर गृहस्थी कैसे चल रही है आपकी? घर गृहस्थी तो साहब जो उधार आ रहा है उनको कह दिया कि भैया बाद में चुकाएंगे आपको. लेन देन कुछ भी है नहीं, रोजगार है नहीं. आगे से माल मंगाते, पैसे मांगते हैं. यहाँ जिन ग्राहकों को दे रखा वो कहते माल सड़ गया, अब ताज़ा दो तो देवे माल. अब ताज़ा की जगह है कहाँ पर है ये भाई? कमंडसपुरा है आपका मीट मार्केट, ढोलक मार्केट है, इसके सामने इसका ठेला है आपका. ये राम भरोसे प्याऊ के पीछे है. मेरा नाम नवीन अग्रवाल, नारियल वाला. भाई हम यहाँ 1956 से यहाँ बैठे हैं, हमारे 56 साल के ऊपर हो गए, 56 से यहाँ हैं. अरे हमारे 90 दिनों आसपास होने पर आ गए. हमारे यूनियन के 28 ठेले वो सब बंद है. हमारे नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करता. जाओ तो कलेक्टर जाओ, कलेक्टर वाले बोलते नगर निगम जाओ, नगर निगम वाले बोलते कलेक्टर के पास जाओ. और पूरे 90 दिन होने पर हमारे कोई सुनवाई नहीं होता है. और हमारा कोई खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है. कर्जा लेके खा रहे हैं, कर्जा लेके खा रहे हैं. 90,000 कर्जा हो गया है. 13 मेंबर हम खाने वाले हैं, इसी ठेले पे हम पलटे हैं. दादा 2 दिन पहले आपकी मीटिंग हुई थी कलेक्टर टावर में, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला हम नगर निगम जाओ, नगर निगम वाले बोलते हैं कि कलेक्टर जाओ. कल हम परसों गए थे, उन्होंने बोला अफसरों से बात करी थी हमने, वो बोले कल आपकी सुनवाई हो जाएगी, कल से ठेले खोलना. कल हम शाम को 7 बजे तक बैठे रहे, कोई आया नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं. कितना परेशानी का सामना? बहुत परेशान है. अब खाने पीने के लाले पड़ गए. कोई बोलता मैं आत्म तय कर दूंगा, कोई बोलता ऐसे में कर दूंगा. उसके जवाबदार कौन रहेगा? लगभग कितने ठेले वाले, कितना परिवार चलता है? 28 ठेले वाले सब गरीब परिवार के हैं. और हमारी जो ठेले ये सब उसके रजिस्टर्ड है. जो हमारा हमारा इलाका अलग है, 28 का बाउंड्री लगी हुई है, उसे दूसरे का कोई ताल्लुक ही नहीं हमारे से. ये हमारा 28 है, 1956 से हम यहाँ खड़े हैं. दादा आपको परमिशन नहीं मिलेगी तो आपकी घर घर से आप कैसे चलाओगे? अब वो तो लोग तो बोलते हैं हम हाथ में आ कर लेंगे, नहीं तो ठेले हम खोलेंगे नहीं, तो यूँ करेंगे, अब क्या करें. ठीक है, आपका नाम? हमारा नाम पुरुषोत्तम मानूमल लालवाणी. देखिए ये जो ठेला, जितने भी ठेले वाले लग रहे हैं, इन सब के लिए जैसे ही छूट प्रदान हुई थी, मार्केट खुले थे, और जब कर्फ्यू हटा उसके बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम को एक पत्र दिया था कि जितने भी रजिस्टर्ड हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सब की लिस्ट उन्हें सौंपी जाए. हमने स्ट्रीट वेंडर्स की जो लिस्ट थी वो जिला प्रशासन को सौंप दी. उसके बाद में संबंधित जो थाने के थानेदार और CI और डिप्टी वगैरह हैं उनके साथ भी हमारे NLM के कर्मचारी, उन्होंने मीटिंग ली, हमारे NLM के अधिकारी वगैरह वहाँ गए हैं. हमने उनको भी पूरी रजिस्टर्ड लिस्ट है और कहाँ वेंडिंग है, कहाँ नॉन वेंडिंग है, वहाँ कितने कितने की जगह ठेले लगने, क्योंकि नगर निगम ने भी वेंडिंग नॉन वेंडिंग के बाद में वहाँ किसी को शिफ्ट नहीं कर पाए थे. हमने मात्र एक गवर्नमेंट कॉलेज के सामने शिफ्ट कर पाए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था. तो ऐसी स्थिति में अब जिला प्रशासन या पुलिस महकमा प्रशासन है, उनको ये देखना है कि अवरोध कहीं रास्ता होता है, कहीं यातायात की प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ को देखते हुए और जो डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस जो रखते हुए इनको, क्योंकि हमने जब उस समय वहाँ पे जो नाप किया था तो हमने 4x6 के नाप से वहाँ इनको ठेले लगाने को दिया था. उस समय कोई सोशल डिस्टेंसिंग का इतना कोई ये चीज़ थी नहीं. अब वर्तमान में अगर संबंधित पुलिस प्रशासन अगर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मानता तो जो 40 की जगह थी वहाँ 20 ही लगेंगे. अब उन्हें लगाने वो अपने स्तर से लगाएं. नगर निगम से इस तरीके की कोई ठेले वाले को किसी जगह की भाई ये यहाँ लगेगा नहीं लगेगा ऐसा कोई हमारे तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है.
इसको परमिशन पुलिस प्रशासन को या जिला प्रशासन को देनी है।